साथियों, मैं सिलीगुड़ी सहित नॉर्थ बंगाल के हर गरीब, हर कृषक परिवार के सामने अपना एक और वायदा दोहराना चाहता हूं। बंगाल में बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही आपके हित में फैसले लेने का काम शुरू हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि का जो 18,000 रुपये 18,000 टका दीदी ने रोका, वो भी तेजी से आपके खाते में जमा किया जाएगा। किसान के खाते में 18,000 रुपया, एक एक किसान के खाते में 18,000 टका। साथियों, मुझे 1.5-2 वर्ष पहले जलपाईगुड़ी की एक दुखद खबर आज भी याद है। एक पिता को अपने बेटे की जान लेनी पड़ी थी, क्योंकि उसके पास अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उस तकलीफ में पिता ने खुद भी अपनी जान ले ली थी। ये वाक्या दिखाता है कि इस क्षेत्र में, नॉर्थ बंगाल में, मेडिकल सुविधाओं की क्या हालत है। दीदी ने अगर आयुष्मान भारत योजना बंगाल में लागू की होती तो गरीबों को ये दिन देखने न पड़ते। इस योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा बीजेपी की केंद्र सरकार ने दे रखी है। सिर्फ सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी नहीं, कोलकाता ही नहीं, वो पिता दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कहीं पर भी अपने बेटे का मुफ्त इलाज करवा सकता था, लेकिन दीदी ने, उनकी दुर्नीति ने ऐसा होने नहीं दिया। बंगाल में बीजेपी की सरकार में, नॉर्थ बंगाल में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधार ही जाएगा, तुरंत ही बंगाल में आयुष्मान भारत योजना भी लागू की जाएगी।